नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिटर टाइट से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न जो है वो निम्मी के असाइनमेंट टेस्ट और क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेट्स। डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि डायल टेस्ट की रीडिंग जो है वो हम किस हिस्सा से लेते हैं, क्या स्टेम, एनविल, पॉइंटर या प्लंजर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग जो है लेने के लिए दो महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक एनविल और एक पॉइंटर। ये दोनों में कंफ्यूजन होंगे। तो एनविल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, किसी वर्कपीस पे टच करते हैं, टचेज करता है वो क्या आपका एनविल। लेकिन पॉइंटर क्या है, वो रीडिंग बताने का काम करता है। तो पॉइंटर जो है वो आपका रीडर बताता है, क्योंकि इस प्रकार से डायल टेस्ट इंडिकेटर में रहते हैं वो 0 से लेकर 100 तक के भाग में बटा रहता है, और जो पॉइंटर होता है वही आपको क्या बताता है, रीडिंग बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंटर जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर में रीडिंग का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिगर को ध्यान से देखिए और इस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? तो फिगर को देखने के बाद आप बता पाएंगे फाइलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है, स्क्रैपिंग या फिर चिजलिंग किया जा रहा है। तो ये जो है स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैपिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्रैपिंग। तो हार्ड के लिए जो है स्क्रैपर को पकड़ा जाता है वो 30 डिग्री एंगल पे पकड़ा जाता है, वहीं जब सॉफ्ट मटेरियल होता है तो वहाँ पे स्क्रैपर को पकड़ने के लिए 20 डिग्री के एंगल में पकड़ते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरुचनी यानी कि स्क्रैपर का उपयोग किया जा रहा है? तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस है और उसके बीच में मान लिया जाए कि यहाँ पे स्क्रैपिंग करना है, तो किस स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनोज स्क्रैपर। तो जब बड़ा फ्लैट सरफेस हो और वहां पे स्क्रैपिंग करना हो तो उसके लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुक स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग जो होते हैं वो छोटे छोटे होल को स्क्रैप करने के लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर, और बड़े वेयरिंग सरफेस को स्क्रैप करने के लिए बुलडोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, और फ्लैट सरफेस पे स्क्रैप करना हो तो उसके लिए फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस प्रकार के प्रश्न चाहिए तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो फिगर देखने से पता चलेगा ये जो है क्या है। तो ऑप्शन सी देखिए, ये ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, और ये जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इफेक्टिव डाया को मेजर करता है। तो इस प्रकार से ये जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज
यूज टू मैग्नीफाई अ स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन ऑफ पॉइंटर ऑन अ ग्रेजुएट डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों बोला जा रहा है कि जो छोटा ग्रेजुएशन है उसको बड़ा दिखाने के लिए पॉइंटर से माध्यम से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए है डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से कोई भी छोटा जो वेरिएशन है उसको बड़ा करके दिखाने के लिए जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन वीआईएस सिस्टम। उपलब्ध वीआईएस प्रणाली में आधारभूत जो डेविएशन है उसकी संख्या क्या है? तो फंडामेंटल डेविएशन जो है वो कितने होते हैं? तो बीआईएस के अनुसार जो फंडामेंटल डेविएशन होते हैं वो 25 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। वही ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात की जाए तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होते हैं वो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जब फंडामेंटल डेविएशन की बात की जाए तो 25 होते हैं फंडामेंटल डेविएशन, और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोले या फंडामेंटल टॉलरेंस बोला जाए वो 18 फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? तो अभी जस्ट हमने बताया कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात की जाए तो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो बोला जाए तो वो 18 होते हैं। जब फंडामेंटल डेविएशन बोला है तो डेविएशन जो होते हैं वो 25 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन साइज ऑफ कंपोनेंट। भागों के अमापों में को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से प्रशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वह कौन सा है जो कंपेयर भी करता है और वेरिएशन के साइज को चेक भी करता है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है? तो क्या माइक्रोमीटर है, कंपरेटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है? तो तुलना भी करता है और कंपेयर भी करता है, तो वो जो है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके द्वारा जो है किसी भी शाफ्ट का पैरेललिज्म भी चेक करते हैं। तो ये इस तरह से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम करती है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में दो मैकेनिज्म काम करता है, एक प्लंजर टाइप होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो लीवर टाइप होते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लीवर और स्क्रॉल के माध्यम से डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप काम करता है। कंपैरेटर यूज इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त किया जा रहा है? तो मास प्रोडक्शन में
कंपैरेटर टूल में, कंपैरेटर में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या ऑप्टिकल, न्यूमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। तो मास प्रोडक्शन में आप कौन सा कंपैरेटर का करते हैं, तो इसके लिए जो है वो हाई आप न्यूमेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है और ऑप्शन बी है न्यूमेटिक्स। तो न्यूमेटिक्स में होता क्या है कि ये एयर के माध्यम से, एयर प्रेशर के माध्यम से ये वर्क किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। विच गेज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट, भागों के आंतरिक या अंतर के जगह पे आंतरिक चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि आंतरिक चूड़ी यानी कि इंटरनल थ्रेड को मेजर करना है, चेक करना है। तो उसके लिए क्या थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, टेपर रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, थ्रेड प्लग गेज का या कैलिपर गेज का। तो जब आंतरिक चूड़ी की बात की जाए, इंटरनल थ्रेड को चेक करना हो, तो वहां पे थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वही अगर इंटरनल थ्रेड को यानी कि बाहरी चूड़ी को मेजर करना हो, तो वहां पे थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो पूछा गया था इंटरनल थ्रेड, तो उसके लिए थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट, कौन सी चरम स्वीकृत माप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो ऑपरेटर कोई जॉब बनाता है, तो उससे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो साइज है वो साइज में जॉब को बनाए। तो उसे कौन सा साइज कहा जाता है, क्या बेसिक साइज कहा जाता है, एक्चुअल साइज कहा जाता है, नॉमिनल साइज कहा जाता है या लिमिट ऑफ साइज कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब ऑपरेटर को कोई जॉब बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसके जो प्रिमिसिबल एक्सपेक्टेड जो साइज होते हैं उसे बताया जाता है, उसे बोला जाता है लिमिट ऑफ साइज। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लिमिट ऑफ साइज। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड, उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है। मतलब कि जब जॉब बनाने के लिए दिया जाता है, तो जॉब बन गया है, तो वो जॉब जो बन गया है उस साइज को क्या कहा जाएगा। जब बन जाता है तो क्या उसको लिमिट साइज कहते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं, मैक्सिमम साइज कहते हैं या मिनिमम साइज कहते हैं। तो जब जॉब बन जाता है, तो उसे जो जॉब बनने के बाद फाइनली जॉब प्राप्त जो होता है, वो जो साइज होता है वो एक्चुअल साइज होता है, वास्तविक माप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक यानी कि एक्चुअल साइज प्राप्त होगा जब जॉब बन जाता है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अ डायमेंशन इज स्टार्टेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 mm इन अ ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। आरेख की विमा डायमेंशन को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा जाता है, तो टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस को परिभाषित किया जाता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इसका करेक्ट आंसर होगा 0.04 mm, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।
हाउ द आइडेंटिफाई हाई स्पॉट वाइल स्क्रैपिंग, यानी कि जब आप स्क्रैपिंग यानी खरोचते करते हो तो उसके समय उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। तो जब आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो उस पर कुछ उभरा हुआ स्थान रहता है, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, क्या पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट चौक का, कॉपर सल्फेट का या सोलेल्यूज लैकवर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो है स्क्रैपिंग करते समय हम लोग पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग हाई स्पॉट को चेक करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्शियन। तो यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।